गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर जी टी फाइव मॉड वीडियो। और भाई आज की मॉड की वीडियो में हम लेके आए हैं एलॉय व्हील रिम्स। काफ़ी लोग परेशान हैं कि उन लोगों को जो रिम्स जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं आजकल खासकर इंडिया में, वो उनको नहीं मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं तो फिर उनमें कुछ ग्लिचेस वगैरह आ रहे हैं जिसकी वजह से वो इंस्टॉल नहीं हो पा रहे हैं। इंस्टॉल हो जा रहे हैं तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं गेम के अंदर। तो सारी चीज़ का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ सिर्फ इस 4 मिनट की वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो भी चैनल पे नया है चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिसका GTA 5 मॉड नहीं है उसको मॉड करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज बिना मॉड के नहीं चलेगा। और जो GTA 5 को मॉड करते हैं उसकी जो लिंक है वीडियो की वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाके पहले उसे देखो, उस अपने GTA 5 को मॉड करो। तो फटाफट से बढ़ते हैं अपने इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ, और बहुत ईजी प्रोसेस है। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको कुछ इस तरीके की एक zip फाइल मिलेगी, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको हम यहाँ से कर लेंगे एक्सट्रैक्ट विनरार के थ्रू। तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके हमको एक फोल्डर मिल जाएगा जिसके अंदर हमारी मेन फाइल होगी। तो ये वो फोल्डर है, आप देख सकते हैं। इसको ओपन करने के बाद इसको हमें मिलेगी एक OIV फाइल। इस OIV फाइल का हमारा सारा काम है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी OpenIV की, तो OpenIV को ओपन कर लेते हैं। तो हमारा जो OpenIV है वो ओपन हो चुका है। तो अब इसको हम कर देंगे एडिट मोड में, तो एडिट मोड में येस कर देंगे। देन उसके बाद ये जो हमारी OIV फाइल है इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है हमको OIV के अंदर, तो ऑटोमेटिकली ये खुल के आ जाएगा। इसके बाद इंस्टॉल पे जाना है, देन मॉड्स फोल्डर में जाना है, एंड देन उसके बाद आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है अपने पास तो मैं इसको नहीं करूँगा, तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। तो बस इतना सही काम था और हम अपने गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि आपको वो व्हील्स मिलेंगे कहाँ पे। तो हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। तो अब गेम के अंदर आपको कुछ एक भी किसी भी एक व्हीकल को ले लेना है। व्हीकल को लेने के बाद आपको जाना है मेन्यू कस्टम में, देन आपको जाना है व्हीकल ऑप्शन में, देन मेन्यू कस्टम, एंड देन व्हील्स में जाना है। व्हील्स में जाने के बाद आपको जाना है स्पोर्ट्स के अंदर, और देन स्टॉक रिम्स। स्टॉक रिम्स में जैसे आप जाओगे तो आपके पास बहुत सारे रिम्स आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। और ये जो स्टारफिश वाला चल रहा है ये भी है इसमें। तो इसमें आपको सारे के सारे जितने भी ट्रेंडिंग व्हील्स है आप देख सकते हैं, सब मिल जाएंगे। तो इतना ही था इस वीडियो में, और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे मॉड्स के लिए सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक और ऐसी मॉड्स की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।